नमस्कार। तो हरियाणा ने कल अपनी प्रोविजन मास्टर निकाल दी है, सॉरी फर्स्ट राउंड की प्रोविजन अलॉटमेंट लिस्ट निकाल दी है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। तो मेरे पीछे आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है जिसमें मैं मोस्ट कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको डायरेक्टली एक्सेल शीट में ही दिखाऊं। सुबह से मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका और बार बार मेरा ये रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बार बार उसको डाउन कर रहा हूँ। मेरा आधा घंटा ऑलरेडी लग चुका। सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं इस बार, वो मेरा एक 5 साल पुराना वीडियो है, 5 साल पुराना, जो कि बहुत लोगों ने गालियां देते थे मुझे जब मैंने 5 साल पहले ये चीज बोली थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और वो है बीडीएस का बुरा हाल। तो अब ये देखिए कि बीडीएस की सीट मिलना तो खैर बहुत ही आसान है, लेकिन लोग अप्लाई कितना कर रहे हैं। जितनी मेरी समझ है, सबसे ज्यादा पॉपुलर बीडीएस का कॉलेज है डीएवी यमुनानगर, जिसमें जो टोटल एप्लीकेशन है वो ही 45 है बस, जिसमें जिसने भी अप्लाई करेगा उसको सीट मिल जाएगी। एक यमुना मेडिकल डेंटल कॉलेज है जिसमें तो टोटल सिर्फ 17 ही लोगों ने अप्लाई करा है। तो सोचिए आप, लोकेशन की वजह से। फिर एक अपना सिरसा का कॉलेज है, चौधरी देवीलाल, आप उसको भी देखेंगे तो जैसे कहते हैं ना, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि उतने लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं जितनी सीटें हैं इन सभी कॉलेजेस में। तो इसकी भी लोकेशन थोड़ी बेटर है तो अप्लाई हो रहा है। तो पहली चीज वही है, बीडीएस का बुरा हाल, ये एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। अब हम अगले पे चलते हैं कि इसके अलावा दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, जो मैं आपको बार बार समझाता था, एनआरआई कैटेगरी। फिर हम मेन पे आते हैं। देखिए इसमें क्लियरली लिखते थे प्रेफरेंस फॉर एडमिशन अंडर एनआरआई कैटेगरी। तो ये ना प्रेफरेंस होती है, नंबर वन उसको मिलेगा जो स्टूडेंट खुद एनआरआई है, नंबर टू स्टूडेंट जो एनआरआई का किट है, उसके बाद अगर आप खुद एनआरआई हैं हरियाणा के बाहर के हैं, नंबर फोर आप चिल्ड्रन एनआरआई हैं एनआरआई के बाहर के हैं। तो अब क्लियरली हो जाइए, एक्चुअल बच्चा एनआरआई है, चॉइस नंबर वन थी, बच्चा एनआरआई है पर हरियाणा का नहीं है, वो चॉइस नंबर तीन है, प्रायोरिटी नंबर तीन है। प्रायोरिटी नंबर दो जिसकी है कि हरियाणा का ही, जो फंडामेंटली बिलोंग्स टू हरियाणा और आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं। और फिफ्थ फिर वो आ जाता है जो हम बात करते हैं कि आप बच्चे के चाचा, ताऊजी, मामी, मामा, बुआ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, फिफ्थ कैटेगरी के जो लोग आते हैं। और फिर कोई सिक्स कैटेगरी नहीं होती, तो लोग गलत फहमी उड़ाते थे बार बार कि स्टूडेंट के दादा का। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि जो अलॉटमेंट हुई है ना, पहले तो उसे वापस से एमबीबीएस कर लें। और एनआरआई में आप देखिए क्या है कि जो आपको सीट मिली है वो आपको मिली है, आपको जानती है कि 6 सीटें इसमें एनआरआई फेमस पीजीएमएस रोहतक में भी है एनआरआई की, और वो एनआरआई की सीटें ऊपर ऊपर खत्म हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि कैटेगरी को मार्क्स से ज्यादा कैटेगरी, अगर प्रेफरेंस वाला जैसे 520 नंबर कैटेगरी थ्री का था और देयर वुड नॉट बी एनी कॉम्पिटिशन, बट अगर आप एनआरआई कैटेगरी वन के हैं, अगर आपके 466 मार्क्स भी हैं तो भी आपको पीजीएमएस रोहतक मिलेगा। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ने भी पीजीएमएस रोहतक ही अप्लाई करा होगा। ये तो लिस्ट नीट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आती है, बट इनको कल्पना चावला मिला है या एनआरआई कैटेगरी फोर में आ रहे हो तो भगत फूल सिंह मिला है। आई एम श्योर कि इनकी सबकी चॉइस तो पीजीएमएस रोहतक होगी ना। पीजीएमएस रोहतक किन किन को मिला, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वन और टू में थे, मतलब इस कैटेगरी के अंदर ही दोनों खत्म हो गए, वन एंड टू, राइट। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको नंबर तो 520, जो एलोकेटेड लिस्ट है तो ऑर्डर में, आई एम श्योर, मैं जानता नहीं हूँ, आई एम श्योर जो भी ये साक्षी मैरी हैं या अश्विन बानो है, इन्होंने कोशिश तो पीजीएमएस रोहतक की ही करी होगी, मिला फिर ये है। और इंटरेस्टिंग बात फिर यही है, मेरे को हैरानी हुई कि और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में अक्सर आप एनआरआई कैटेगरी फाइव में देखेंगे, सो मार्क्स चाहे आप 337 थे, बट क्योंकि आप एनआरआई कैटेगरी फाइव में थे तो आपको प्राइवेट कॉलेज एलोकेट हुआ है। और ये मैं थोड़ा हैरान भी हूँ क्योंकि इन मार्क्स पे आपको नॉर्मल सीट भी मिल सकती थी, पता नहीं स्टूडेंट ने एनआरआई सीट लेने का फैसला क्यों करा। एंड सिमिलरली एचएनटी गुड़गांव 309 नंबर पे लिया है एनआरआई कैटेगरी थ्री वाले ने, जबकि एनआरआई कैटेगरी थ्री वाले को ही 2
201 नंबर पे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा मिल गया। तो ये जो स्टूडेंट हैं, मैं नहीं जानता, वंस अगेन एंड प्लीज डोंट माइंड मी हाईलाइटिंग यू, वैसे भी आपका नाम तो ये लिस्ट तो पब्लिकली अवेलेबल है। अद्विका जी ने एसजीटी क्यों चूज करा, जबकि उनको एक सेमी गवर्नमेंट महाराजा अग्रसेन अग्रोहा मिल सकता था। ये आपका एक जिंदगी भर का नाम रहता है कि आप इस कॉलेज से पढ़े हैं, राइट? तो दैट इज समथिंग विच आई एम स्टिल सरप्राइज उन स्टूडेंट के डिसीजन पे जिनको एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता था जहां पर पीजी भी चलती है। तो ये एक दूसरा, मैं इससे क्लियर हुआ कि एनआरआई सीट का क्या लॉजिक रहता है। इसके अलावा देखिए जो और इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो सबसे खास बात मेरे को लगी कि कट ऑफ की बात करूं तो फिलहाल पीजी में रोहतक में 639 मार्क्स पर गया, ईएसआई जर्नल 645 मार्क्स पर गया, सॉरी कल्पना चावला 628, अग्रवाल 625। तो देखिए ईएसआई की कट ऑफ इस समय पीजे में रोहतक से ऊपर है, और हम सभी जानते हैं ये वीडियो शायद मैंने लास्ट ईयर बनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, बिकॉज ईएसआई फरीदाबाद जो 40 लाख वाले बॉन्ड में नहीं आता है, अग्रोहा भी नहीं आता है, बट समहाउ अग्रोहा में हमारा उतना मन नहीं बैठता। ईएसआई की लोकेशन बहुत अच्छी है, फरीदाबाद मेन सिटी में है, तो काफी जो टॉपर्स हैं वो ईएसआई को चॉइस वन भरते हैं, बट टॉपर्स टॉपर्स होते हैं तो किसी को लगता है नहीं 40 लाख कुछ भी नहीं है, मुझे पीजे में सोतक में ही पढ़ना है। उसके बाद फिर कल्पना चावला आ जाता है, अग्रोहा आ जाता है, और मेवाती तो उसके नीचे चलता है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट ओवरऑल कट ऑफ 617 नंबर गई है जनरल स्टूडेंट्स की। तो वो बेसिकली भगत फूल सिंह और शहीद हसन, शेड्यूल कास्ट की 520 है फिलहाल, एससी डिप्राइव्ड की 439 है, बीसीए 578 है, बीसीबी 604 है, ईडब्ल्यूएस 610 है। तो देखिए सब कुछ बराबर ही रहता है, हमेशा कहता हूँ कि अब जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 5-10 नंबर का फर्क रह गया है, जो साबित भी हो रहा है, 617 जर्नल 610 ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, अगर आप बहुत दूर है, मतलब 520 530 पे मुश्किल ही है सीट मिलना, और इसके अलावा एससी डिप्राइव्ड है जो कि काफी नीचे मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए जनरल पीडब्ल्यूडी 177 नंबर पे मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस 180 पे, बीसी 113 पे। एग्जाम्पल ये था, मैं बार बार कहता हूँ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको इंडिया में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अगर आपने नीट क्वालिफाई भी कर लिया। अब एक लास्ट और इंटरेस्टिंग चीज, और ये देखिए ये हरियाणा की बेवकूफी मैं कहूंगा आपको, मैं दिखाता हूँ हरियाणा का बेस्ट कॉलेज आदेश प्राइवेट के टर्म्स में, राइट? अब देखिए उन्होंने क्या करा है, आप देखिए जब हिमाचल ने चॉइस फिलिंग कराई, क्योंकि हम ओपन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ओपन स्टेट्स विद रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, तो हिमाचल हरियाणा, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, देखिए राजस्थान तो खुलते हैं राउंड टू के बाद है, एमपी, छत्तीसगढ़ प्योर ओपन है, सो हरियाणा और हिमाचल दो और भी हैं लेकिन मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, दो स्टेट ऐसे हैं जो फीस में कुछ खास रिबेट नहीं देते हैं, हिमाचल देता है, लेकिन एक अलग सीट से स्टेट कोटा की, अलग सीट से आउटसाइड स्टेट की, ठीक है? अब हरियाणा में भी है। अब देखिए हरियाणा के अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, आपको आदेश नहीं मिल रहा है 534 नंबर से नीचे, 534 कट ऑफ होगी आदेश की, विच इज बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ हरियाणा, 534 नंबर याद रखिए। वही मैनेजमेंट कैटेगरी में आपको एडमिशन मिल गया है 400 कुछ, मैनेजमेंट कैटेगरी के आउटसाइड हरियाणा, तो हरियाणा के डोमिसाइल थे तो 534 पे खत्म, आउटसाइड हरियाणा में 471 तक गया। तो सोचिए इतने सारे बच्चे जो 534 के नीचे ही है मेजोरिटी में, ये सब आउटसाइड हरियाणा के बच्चे हैं सारे ही तकरीबन, राइट? इन सब बच्चों को सीट दे दी गई है अंडर मैनेजमेंट कैटेगरी, लेकिन अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते थे तो फिर आपकी कट ऑफ हाई है, क्योंकि हरियाणा के बच्चों को मैनेजमेंट कैटेगरी में लोकेशन आई एम नॉट श्योर की दी गई है, राइट? तो वो इतना नीचे जा रहा है बिकॉज कुछ बच्चों को ऊपर दिया गया है। तो ये एक है जिसका अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये जो बच्चे हैं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनको भी मैनेजमेंट में कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया है, सिर्फ ये जो लिस्ट है ये आउटसाइड हरियाणा के बच्चों के लिए है, तो अलग अलग है। और क्योंकि इसमें 534 के ऊपर भी 3-4 बच्चे थे, आई एम नॉट श्योर कि आई होप कि जो 530 के नीचे के बच्चे हैं इसमें हरियाणा के स्टूडेंट्स को भी सीट दी गई है अगर उनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं और इन लोगों ने वो डिफरेंस नहीं करा है, तो इसका क्लियरिटी नहीं है मेरे को,
पता चलेगा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो हजाने का है, जो तो मैनेजमेंट के अंडर एलोकेशन हो गया है, जरूर इस वीडियो की कमेंट में डालिएगा। ये है ब्रॉड एनालिसिस, में आपको बस ये करना चाहता था। हाँ, आखिरी चीज ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा आप हिम्मत रखिए, जो बाबर कहता हूँ कि ये जो टॉपर बच्चे हैं जितने भी 493 रैंक वाले, 621, 718, ये सभी आपको एमसीसी की लिस्ट में भी नजर आ रहे हैं। और मैं चेक कर रहा था तो एमसीसी के अलॉटमेंट में सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, आई एम श्योर वो बच्चा एम्बेरस फील नहीं करेगा। 493 था ना टॉपर हरियाणा का, उसको एम्स ऋषिकेश भी मिल गया है। वो एम्स ऋषिकेश में पढ़ेगा बच्चा, या वो बच्चा पीजे में रोहतक में पढ़ेगा, आई एम श्योर बिकॉज ऑफ द 40 लाख बॉन्ड शेयर। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इसलिए मैं हरियाणा वाले बच्चों से कहता हूँ कि आप उम्मीद मत छोड़िए, पूरी उम्मीद है राउंड टू में कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि ये सारे बच्चे जो इनको वो सीट्स मिल गई है, जो उनकी फर्स्ट चॉइस है एम्स ऋषिकेश एक्सेट्रा, वहां पर जाना पसंद करेंगे। सो कीप योर हार्ट, एंड अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, देखिए अब असली समय आया है काउंसलिंग करने का। अभी तक तो मैं हमेशा कहता हूँ, कहते हैं ना कि वो प्रिपरेशन चल रही थी, मतलब अभी प्रैक्टिस चल रही थी, आपने फॉर्म भरा नहीं, फॉर्म तो सारे भरने थे, लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि हमने उनके 5-6 फॉर्म भरवा रखे थे, अब समय आता है डिसीजन लेने का, किस में फीस दें, किस में ना दें, किसके राउंड टू का वेट करें। और इस समय के लिए आपको बहुत जरूरत है एक प्रोफेशनल काउंसलर की। आप हमें रखिए, किसी और अच्छे को रखिए, जरूर रखिए। हमें रखना चाहते हैं तो पहले आप सब जानते ही हैं, अब यू हैव टू कॉल अवर नंबर 9643362320। आपको एक मेरा समय मिलेगा 15 मिनट का, जिसके लिए आपको नॉमिनल 1500 रुपीज देने होंगे, और उस टाइम में आप एक बहुत क्विक स्ट्रेटजी बना दी जाएगी, और जो भी आपके लिए फीस एप्लीकेबल है वो आपको बता दी जाएगी। फील फ्री टू कॉल अस, बेस्ट विशेष, और बेस्ट विशेष फॉर योर एडमिशन। धन्यवाद।